दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज है हमारे पास, इसरो को मिल सकता है एक बड़ा झटका। हाँ दोस्तों, क्या चंद्रयान 3 को हरा देगा लूना 25? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। बता दे दोस्तों, रसिया के एक गांव को पूरी तरीके से डिस्प्लेस किया गया। उन गांव के जितने भी लोग थे उनको 3.5 घंटे के लिए अपने गांव को छोड़ने के लिए इंटीमेट कर दिया गया। वहां पे वार्निंग जारी कर दी गई है और खुद रसिया की जो मिलिट्री है वो खुद गाइड करेगी कि इन लोगों को 3.5 घंटे के लिए कहां पे जाना है। बता दे दोस्तों, वो गांव का नाम है साख तिनस्काई और ऐसा इसलिए किया गया है, इस गांव के ऊपर खतरा है उस टुकड़े का गिरने का, उस अलग अलग रॉकेट के टुकड़े को गिरने का। वो अलग अलग स्टेज में जो गिरता है उनके गिरने की संभावना इस गांव में बताई जा रही है और वो रॉकेट जो है वो भारत का चंद्रयान 3 का पीछा करेगा और अंत में उसे पछाड़ भी देगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लूना 25 की। बता दे दोस्तों, पूरे 47 सालों के बाद अचानक रूस का प्रेम जागा है चंद्रमा के लिए और समझ लो तो उसने ये ठाना है अपने ही दोस्त देश को पछाड़ने का, यानी कि हमारे भारत को। दोस्तों इस मामले की पूरे तह तक जाएंगे, मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए नई और अद्भुत कंटेंट बनाते रहते हैं और इस कंटेंट को बनाने में बता दे दोस्तों काफी टाइम और एफर्ट्स भी लगता है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो भाइयों। मिलते हैं वीडियो के अंदर। बता दे दोस्तों, साउथ पोल पे उतर के एक रिकॉर्ड कायम करने वाला था इसरो। इस बात के लिए इसरो को काफी क्रेडिट मिलता कि पहला चंद्रयान पहला कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो साउथ पोल में लूनर साउथ पोल में उतरा। लेकिन बता दे दोस्तों, भारत के मंसूबे पे पानी फेरते हुए रूस ये कदम उठा देगा कोई सोचा तक नहीं था। देखिए दोस्तों, ये कोइंसिडेंस तो नहीं कहा जा सकता, इतनी तो बारीकी नहीं हो सकती किसी भी स्पेस मिशन को लेकर के। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे कि ऐसा क्यों प्लानिंग की गई है, लूना 25 की लैंडिंग की क्या प्लानिंग है, सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, 23 अगस्त वो दिन है, 23 या 24 अगस्त का वो दिन है जिस दिन को इसरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 को हम सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे और ये लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल में की जाएगी। इसमें दुख की बात ये आ रही है दोस्तों कि जो यान जो रॉकेट फायर करने वाला है रसिया, जो कि लूना 25 को लेकर के जाने वाला है। आपको बता दे दोस्तों कि लूना 25 जो रसिया का है वो एकदम चंद्रयान 3 के जैसा है जिसमें लैंडर रोवर फिट है और पता नहीं 47 सालों के बाद उसका भूत आ जाता है। रसिया के शक्तिशाली रॉकेट का यूज किया जाएगा लूना 25 चंद्रयान को लॉन्च करने के लिए, जो कि डायरेक्ट चंद्रमा के साउथ पोल में जाकर के लैंड करने की कोशिश करेगा। बता दे, रशियन एजेंसी का ये दावा है रॉस कॉस्मोस, जैसे इसरो भारत का है वैसे ही रॉस कॉस्मोस रशिया का स्पेस एजेंसी है। और हाँ दोस्तों, आज ही का वो दिन है 11 तारीख को, 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है लूना 25 और महज अंदाजा लगाया जा रहा है कि मात्र 5 दिनों में वो चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 5 दिनों में ही वो चंद्रमा पे पहुंच जाएगा और अगले 5 से 7 दिनों में वो उतर जाएगा चंद्रमा के साउथ पोल पर। इस स्पीड को कैलकुलेट कीजिए, आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि बताया 11 अगस्त को लॉन्च होगा आज के दिन, प्लस 5 डेज यानी कि 16 अगस्त, 16 अगस्त से 5 दिन पकड़िए दोस्तों, कितना होता है 21 अगस्त। हालांकि रशिया ने 5 से 7 दिन का रेंज दिया है, मान लीजिए 7 दिन पकड़ लीजिए तभी भी कितना होता है, जी हाँ 23 अगस्त, जिस दिन हमारा चंद्रयान 3 भी ट्राई करेगा लूनर सरफेस पे उतरने की। हाँ दोस्तों, इसी दिन इसरो ने प्लान किया है चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने विक्रम लैंडर को उतारने का। देखिए दो चीजें हो सकती है दोस्तों, या तो रसिया का लूना 25 21 तारीख को ही लैंड कर जाएगा साउथ पोल पे, या फिर 23 अगस्त को लैंड करेगा। यानी कि चंद्रयान 3 ने थोड़ा सा भी अगर डिले किया तो गेम ओवर है, और डिले नहीं भी किया, अगर ये सुपर फास्ट तरीके से पहुंच गया लूना 25, तो ये रिकॉर्ड तो रसिया के नाम पे ही जाएगा और वो रिकॉर्ड गया इसरो के हाथ से। ये बहुत ही दुख की बात होगी दोस्तों अगर ऐसा हो गया। ये वो रिकॉर्ड है जिसके पीछे इसरो पिछले कई सालों से काम कर रहा है और इस बात को काफी पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अब जाकर के रशियन एजेंसी का कहना है कि भैया ये जो चंद्रमा है ना वो किसी का बाप का नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा मगर इनडायरेक्टली यही कह दिया। उनका साफ शब्दों में ये कहना है कि दैट इज द 7th कॉन्टिनेंट, मून इज 7th कॉन्टिनेंट कहना है उनका, 7वां महाद्वीप है ये कहना है रशिया का ह्यूमन काइंड का, और वहाँ पे एक का कब्जा नहीं हो सकता। और वैसे हमारा भी ऐसा इरादा नहीं है, हमारा भी ऐसा मूड नहीं है कि वहाँ कब्जा किया जाए। हालांकि आपको बता दो, 2021 में हम इसे लॉन्च करने वाले थे अक्टूबर में, मगर वो प्लान पोस्टपोन्ड हो गया तो अभी कर रहे हैं। बता दे दोस्तों, ये जो रशिया का लूना 25 है वो लॉन्च करने वाला है वो स्टॉकनी कॉस्मोड्रोन से, जो कि 3450 मील या फिर 5550 किलोमीटर दूर है मॉस्को से रशिया के। और बता दे दोस्तों, रशिया वाले भी अपना लूना 25 उसी जगह पे उतार रहे हैं जहाँ पे इंडियन चंद्रयान 3 उतरने जा रहा है, उसी प्लेस पे उतार रहे हैं। वही जगह है जहाँ पे चंद्रयान 3 उतर कर रिकॉर्ड कायम करने वाला था। अब आप ही बताइए दोस्तों कि ये कौन सा कोइंसिडेंस है, एक ही दिन में 2 देश, एक जो है 47 साल के बाद जगह है और हो सके थोड़े दिन में अमेरिका भी इस मिशन में शामिल हो जाएगा उसी जगह पे साउथ पोल पर। अब देखो हुआ क्या है इसमें, भारत ने दिखाया रास्ता, अब भारत ही इसमें पिछड़ता नजर आ रहा है। अब बता दोस्तों, ये कोई साजिश है या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस? बता दे दोस्तों, काफी स्ट्रॉन्ग रॉकेट के साथ लॉन्च
लॉन्च करने वाला है लूना 25। अब जैसा कि हमने बताया है शुरुआत में ही कि पूरा का पूरा गांव खाली करवाया जा रहा है। आपने ऐसा कभी सुना है कि श्रीकोटा के पास कोई गांव खाली करवाया गया है? आप सोच सकते हैं कितना बड़ा रॉकेट होगा, कितने स्ट्रॉन्ग उसके मैकेनिज्म होंगे, कितने स्ट्रॉन्ग स्टेजेज होंगे उसके, कि सिर्फ 5 दिनों में चंद्रमा तक पहुंच जाएगा। ये डिस्टेंस है दोस्तों 384,000 किलोमीटर। हमें वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लगा, हमें बहुत बार अर्थ के चक्कर काटने पड़े तब जाकर के उसकी स्पीड बढ़ी। लूना 25 का स्पीड कैसा होगा आप सोच सकते हैं, कितना ही एडवांस होगा वो लूना 25, किस तरीके से वो चंद्रयान 3 को भी पछाड़ सकता है, पीछे कर सकता है। लेकिन बता दे दोस्तों, इस कहानी का 2 पहलू हो सकता है। पहला जो हमने बताया कि कितना स्ट्रॉन्ग रॉकेट होगा उनका, कितना एडवांस इनका लैंडर मॉड्यूल होगा, यानी कि इनका लैंडर और रोवर, और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रसिया का एक्सपीरियंस स्पेस में। ये बात को नकारा नहीं जा सकता है दोस्तों, क्योंकि रसिया ही वो एक पहला देश है जिसने मानव जाति को अंतरिक्ष में भेज करके कृतिमान रचाया था। हम बात कर रहे हैं दोस्तों यूरिक अल्गरिन की, पृथ्वी के पहले अंतरिक्ष यात्री, जो कि है रसिया के नाम पे। अब देखिए, बहुत ही जबरदस्त की कंपटीशन है अब इसरो का रसिया के साथ। ये एक हेल्दी कंपटीशन है, समझ लीजिए दोस्तों। मगर ये कंपटीशन हेल्दी तब होती जब लूना 25 का पहले से ही लॉन्चिंग डेट पता होता है हम सभी को। चलिए बात थी पता थी, मगर 11 अगस्त को भेजने वाला है और 23 अगस्त को ही वो लैंड करेगा, कितना कोइंसिडेंस वाली बात है। रसिया भी प्लान कर रहा है 23 अगस्त को, भारत का इसरो भी प्लान कर रहा है 23 अगस्त को। ये बात दोस्तों इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश क्यों नहीं की गई, ये हम सबको पता नहीं था? क्या अभी निकल करके बात आई है ये कि इस प्रकार का होने जा रहा है? जरा सोच कर देखिए। चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक पल के लिए खबर नहीं आई, या फिर आई भी तो हम तक पहुंच नहीं पाई। चलिए इसको, इस मैटर को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कुछ देर के लिए। मगर सबसे अजीब वाली बात है दोस्तों कि दो स्पेस एजेंसी को एक ही जगह टारगेट करना, वो भी एक ही टाइम पे, ये काफी अजीब है। इसमें ये भी हो सकता है कि एक बहुत ही बड़ी स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और इसका इन्फॉर्मेशन हम तक बहुत ही लेट में पहुंचा है। बता दे दोस्तों कि साउथ पोल जो है चंद्रमा का, वो एक प्राइज्ड डेस्टिनेशन बन चुका है। वहाँ पे वाकई में आइस है, जी हाँ दोस्तों, फ्रोजन वाटर यानी कि आइस मौजूद है, और उस आइस का यूज फ्यूल बनाने के लिए भी किया जा सकता है। उससे पानी भी लिया जा सकता है पीने योग्य, और उससे और उसका ऑक्सीजन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब वहाँ सीधा सीधा वहाँ पे बेस बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर वहाँ पे बेस बना लिया तो 2 चीजें होंगी उसमें। पहली बात कि अंतरिक्ष को समझने में हमें आसानी होगी, जैसे कि सौर मंडल का संरचना कैसे हुआ और जीवन कैसे आए यहाँ पे, इसे समझने की बहुत ही बेहतर चांसेस मिलेंगे। और दूसरी तरफ हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर जीवन खत्म होगा तो वो कैसे होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि दूसरी चीज है, वहाँ पे मौजूद खनिजों की स्टडी, क्योंकि दोस्तों जब तक वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तब तक बता नहीं सकता है कि इसके अंदर क्या है। वहाँ पे जितने भी आप रोवर भेज लीजिए, रोबोट्स भेज लीजिए, मगर जब तक आप वहाँ पे रहेंगे नहीं तब तक एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा हमें। वहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, एस्ट्रोनॉट्स रहेंगे, तभी वहाँ पे एक प्रॉपर रूप में एक्सपेरिमेंट्स हो पाएंगे और पता चलेगा कि इस जमीन के नीचे क्या छिपा है। आज जैसा आपको पता है दोस्तों, धरती के नीचे कई सारे एक्सकेवेशन चलते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया काम करती है हमारे देश के अंदर, काफी रिसर्च एजेंसियां काम करती है, तब जाकर के उन्हें पता लगता है कि यहाँ पे इस जमीन के नीचे कोयला दबा है, या यहाँ पे सोने के भंडार हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे हीरा भी मिल सकता है। तो चंद्रमा पे बेसिकली वहाँ पे रुकना होगा, ठहरना होगा, तभी जाकर के वहाँ के खनिजों के बारे में पता लगेगा, जो कि मानव जाति के लिए बाद में यूज किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप है दोस्तों वहाँ पे बेस बनाना। देखिए दोस्तों, जाहिर सी बात है, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो सबसे पहले वहाँ पे उतरेगा और वही सबसे पहले बेस बनाएगा, और बेस बन गया तो समझ लीजिए उसका हो गया। आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बने रही हमारे साथ, अगले वीडियो में हम बताएंगे कि लूना 25 है क्या, इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, इसकी क्या स्पीड है, और ये कैसे चंद्रयान 3 को हरा सकता है, और ये क्या वाकई में हरा पाएगा, और ये क्या न्यूज कंफर्म है कि अब ये चंद्रयान 3 पिछड़ने जा रहा है लूना 25 से। इन सारी बातों की चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।